गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर सेकंड, पीपल एज रिसोर्स, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अब ये बोल रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो लिटरेसी रेट पे। अगर व्यक्ति ज़्यादा लिटरेट होगा तो नेचुरली है उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसी तरह से दूसरा ये बोल रहा है हेल्थ ऑफ अ पर्सन, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक वर्ड आया है जिसका मतलब क्या होता है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ, यानी एक व्यक्ति की जो अपने जीवन में उसकी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी समय होती है एवरेज, उसे क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पर अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने तो 55 ईयर्स है इंडिया के अंदर। तो इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन, या उसके द्वारा कोई जो कुशल कार्य कुशलता या कोई कौशल अगर उसके द्वारा एक्वायर किया गया है, यानी उसके द्वारा उस कौशल में दक्षता या उस कौशल में माहिरता हासिल की गई है, तो वो भी क्या करती है, उस कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम हेल्पफुल होती है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। और जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो क्या करती है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट को क्या करती है, डिसाइड करती है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर अंडरसेट, जैसा कि ये पहले भी बता चुके हैं कि जो व्यक्ति लिटरेट होगा, हेल्दी होगा, दैट इज एन असेट टू अ कंट्री। नाउ फर्स्ट फैक्टर, दैट इज एजुकेशन। शाकाल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर इन टर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। अब ये बता रहा है कि जो शाकाल ने एजुकेशन प्राप्त करी वो उसको आने वाले सालों में एक फलदायक सिद्ध हुई, क्योंकि उसे उसके कारण गुड जॉब और सैलरी मिली। वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ शाकाल। इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। Not only for Shakal, education contributes toward the growth of society also. It enhances the national income, culture richness and increase the efficiency of governance. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि शाकाल को खुद की नहीं बल्कि कंट्री की इनकम में भी इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद में कल्चर रिचनेस बढ़ा, उसके बाद में जो गवर्नेंस है उसमें इफिशेंसी बढ़ी। देर इज अ प्रोविजन मेड for providing universal educational access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girl. अब क्या बनाया गया है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोविज़न बनाया गया है कि सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले और स्पेशली गर्ल्स पर जोर लगाया गया है। देर इज आल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए क्या किया गया है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नवोदय विद्यालय खोला गया है। वोकेशनल स्ट्रीम हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल। और क्या किया गया है, व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूल या व्यावसायिक शिक्षा वाले कोर्सेज स्टार्ट किए गए ताकि स्टूडेंट उन स्किल्स को एक्वायर कर सके। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रुपीज 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू रुपीज 3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64 इन 1951 टू 3% एंड 2015-16 BE has remained stagnant around 3% from past few years. अब जो शिक्षा पर जो बजट है वो निरंतर क्या होता है, बढ़ाया गया है। जैसे पहले अगर हम देखें तो 1951-52 में ये 0.64 था, वही 2015-16 में बढ़कर कितना हो गया है, 3%, और आज भी 3% के आसपास ही है। द बजटरी
द बजटरी इंस्ट्रूमेंट एज स्टेट इन द बजट द बजटरी इंस्ट्रूमेंटेड एज स्टेट इन द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑन The budgetary, instrument as stated in the budget documents of Union State Government Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined to 2.7 in 2017-18. The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. अब ये बोल रहा है कि जो expenditure है जो हमारा एजुकेशन का जीडीपी में वो क्या है बड़ा है और अब उसके अलावा ये बोला है जो बजटरी इंस्ट्रूमेंट है जो यूनियन बजट जो बजट बनाती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू कि जो जीडीपी है किस पर एजुकेशन पर वो डिक्लाइन हुआ है 2.7% इन 2017-18 द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज लेकिन क्या होगा फिर भी लिटरेसी रेट क्या हुआ है 18% थी 1951 में और 2010-11 में कितनी हुई 74 लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट इट इज आल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली अभी क्या बोल रहे हैं कि लिटरेसी एक राइट नहीं है इट इज आल्सो नीडेड ये आवश्यक है कि जितने भी सिटीजन हैं वो अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें और अपने राइट्स को प्रॉपरली इंजॉय करें हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लेकिन क्या है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या है डिफरेंस देखा गया है लिटरेसी अमॉन्ग मेल इज नियरली 16.6 हायर देन फीमेल अब ये बोल रहा है कि जो लिटरेसी रेट है वो मेल की ज़्यादा है फीमेल से फीमेल की क्या है कम है और इसी तरह से कुछ जो स्टेट है जैसे बिहार है तो वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है कम है वेयर एज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज वेरी हाई द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपेंड टू ओवर 8.38 लाख इन 2013-14 अनफॉर्चुनेटली द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट लेकिन क्या होने लगा है ये बोला है जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो 2013-14 में 8.58 लाख बढ़ा है लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है अ ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूल लेकिन एक बहुत बड़ा जो स्कूल सिस्टम है वो पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग सिस्टम के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है और हाई ड्रॉप आउट रेट और बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं ड्रॉप आउट कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंटली स्टेप प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 ईयर्स बाय 2010 इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव इन द ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसके लिए क्या किया गया सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया जिसमें क्या किया गया 6 से लेकर 14 ईयर तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती है और ये उनका क्या है यूनिवर्सल राइट है अलॉन्ग विथ इट्स ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू बैक स्कूल कैंपस हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसके लिए छोटे छोटे कोर्स स्टार्ट किए गए ताकि बच्चे स्कूल से जुड़ सके मिड डे मील स्कीम हैज बीन implemented to increase attendance and retention of children and improve their nutrition status these policy could add to the literate population of india aur kya kiya gaya schoolon mein midday meal start kiya gaya taki bacche school aaye aur apne sath mein bhojan nahi lakar wahin par hi unhe kuch na kuch mile
द 12th प्लान एंड अवर टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ऑफ 18 to 23 टू 25.2 बाई 2017-18 एंड टू रीच द टारगेट ऑफ 30 बाई 2020 or 21। अब ये बोल रहा है कि 12th प्लान में क्या किया गया, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है यानी 14 से 15 साल तक के जितने बच्चे स्कूल जाते हैं और जिन्होंने स्कूल अटेंड कर रखी है, तो और इसमें हायर और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन दोनों का मिलाकर जो रेशियो है उसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। इसको रेशियो को जो 2017-18 में 25.2 था उसे बढ़ाकर 30% करने के इच्छुक है गवर्नमेंट 2020 और 21 में। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग असेस क्वालिटी अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए क्या किया गया है कि जो स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम है उसको लागू किया गया और उसमें मॉडिफिकेशन किया गया और वोकलाइजेशन यानी उसको ऐसी एजुकेशन जो रोज़गार देती हो वो बनाया गया और उसके अलावा आईटी एजुकेशन है उसको स्टार्ट किया गया। द प्लान आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Over the last 50 years, there has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized area. Let us read the table to increase the number of college, university, enrollment of student and recruitment of teacher from 1951 to 2015 and 16. अब देखिए table दे रखी है, उसके अंदर ये बताया गया कि कितने school देखिए 1951 में नंबर ऑफ कॉलेज 750 और आज 2015-16 में कॉलेज है 41,435। उसी तरह से नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 30 थी लेकिन अब यूनिवर्सिटी कितनी हो गई 753। इसी तरह से जो टीचर्स थे वो 24,000 थे, आज है 14,38,000। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। टुमारो वी रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेल्थ।